आपने अभी तक प्रगति मैदान में लगने वाले पुस्तक मेले के बारे में सुना और देखा होगा, मगर अब हम आपको स्कूल में पुस्तक मेले का आयोजन दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें यमुना पार्क के उच्चतर श्रेणी में आने वाले लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल शिवाजी पार्क की हैं। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि स्कूल के ही छात्र छात्रा इस मेले का आनंद ले रहे हैं। स्कूल ने ये सुविधा स्कूल के बच्चों को कक्षा अनुसार दी है। एक एक कक्षा के बच्चे इस मेले में आकर अपनी पसंद की किताबें पढ़ते हैं, जो कि यह मेला स्कूल की ही पहली पेशकश है। स्कूल मेला आयोजन समिति ने बताया कि यह मेला पहली बार लगाया गया है, जो कि 24 दिसंबर से 29 दिसंबर तक चलेगा और अंतिम दिन 29 दिसंबर को इस मेले का आनंद स्कूल के बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता भी ले सकेंगे। इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं और इवेंट्स में ऑन 29th ऑफ दिसंबर ऑल पेरेंट्स सारे स्कूल में आएंगे बुक्स देखने के लिए बच्चों के साथ, और जो बच्चों को पसंद है यहाँ से ले भी सकते हैं। कुछ इवेंट्स में बच्चों को एज अ गिफ्ट भी मिल रही हैं बुक्स, और जो भी सबसे ज़्यादा बुक्स परचेज करेंगे क्लासेस उनको एक जो बुक फेयर ऑर्गेनाइज कर रही कंपनी उनकी तरफ से ये बुक सेट मिलेगा ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दैट क्लास। और ये हम चाहते हैं कि एवरी ईयर स्कूल में ऑर्गेनाइज हो, एक बच्चों का रीडिंग बढ़े और बच्चों का बुक्स की तरफ रुझान बुझा लो होते जा रहा है। बच्चे काफ़ी अपने पीसी में कंप्यूटर में फ़ोन के अंदर जा रहे हैं, बैक टू बुक्स के अंदर आए। और बुक्स ये नहीं कि सिर्फ हम जो डेली स्कूल में पढ़ रहे हैं वही बुक्स होनी चाहिए, स्टोरी बुक्स, कुछ नेचर के ऊपर बुक्स आती हैं, फैक्ट्स के ऊपर हैं, क्विज हैं, तो बुक्स पढ़ना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है और बच्चों के लिए नहीं आगे वाली एज सबके लिए बुक्स बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज हुआ है हमारे स्कूल में, बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, बड़े शौक से देख रहे हैं। एक्टिविटी बुक्स भी है, नर्सरी टू 8th कलेक्शन बहुत ज़्यादा है, 9th to 12th भी है, लेकिन नॉन फिक्शन, फिक्शन, स्टोरी बुक्स, एक्टिविटी और वर्ड बुक है, ईयर बुक है, काफ़ी कलेक्शन अच्छा है और बच्चे देख रहे हैं और परचेज भी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, आगे हम लगाते रहेंगे इसे। नर्सरी टू 5th तो एक्टिविटी स्टोरी बुक्स हैं, फेरी टेल्स हैं और ये साउंड बुक भी हैं, वर्ड पावर बैंक भी है, और ये 9th-10th में नॉन फिक्शन एंड नॉन फिक्शन दोनों टाइप्स की बुक्स हैं, ईयर बुक्स भी हैं, काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। 24 दिसंबर to 29 दिसंबर ओनली वीक है, फुल वीक है, और पेरेंट्स के लिए 29 दिसंबर फुल डे है, पेरेंट्स मीटिंग है उस दिन पेरेंट्स भी आ सकते हैं। मेन मोटिव इज़ दैट टू प्रमोट द रीडिंग हैबिट अमंग द स्टूडेंट, एंड स्टूडेंट्स आर क्रेजी अबाउट द बुक्स फेयर एंड द बुक, दे ऑलवेज परचेज द एंड ऑलवेज रीड द गुड बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, बट बुक फेयर एक अलग फील्ड्स देता है इनको, दे कैन और बहुत इंटरेस्ट के साथ वे इसको इंजॉय कर रहे हैं एंड परचेज इवन 2nd, 3rd का भी कले बच्चे बहुत क्रेजी है, और क्लासरूम चैलेंज, टैलेंट हंट, कई इसकी एक्टिविटीज़, ट्रेजर हंट, दिस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ इनको बहुत बूस्टअप कर रही है रेगुलर। इट्स अ पार्ट ऑफ क्विज एंड एक्टिविटी, लाइब्रेरी एक्टिविटीज़ में हमेशा ही होती रहती है। लाइब्रेरी वीक्स तो हम वैसे भी हम सेलिब्रेट करते ही हैं एवरी ईयर, और इसका मेन मोटिव यू कैन सी देयर, ये दीज आर द स्टोरी बुक्स एंड द ये जो स्टोरी मेकिंग एक्टिविटीज़ हैं ये रेगुलर ही बच्चे बनाते रहते हैं, लेकिन इस तरीके से इस अट्रैक्टिव फॉर्म से उनका और बूस्टअप होते हैं, नो डाउट। पहली बार स्कूल में लगा ये पुस्तक मेला जहां बच्चों में उत्साह का प्रतीक बना हुआ है, वहीं बच्चों को नई नई पुस्तकों की जानकारी भी दे रहा है। संदीप कुमार के साथ कमल पवार, तेज निगाहें दिल्ली। तेज निगाहें परिवार आपको यह बताते हुए गर्व महसूस कर रहा है कि तेज निगाहें ऑनलाइन न्यूज चैनल के करीब 1.25 लाख दर्शक हैं और यह संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। हमारी आपसे अपील है कि जिन दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी खबरें आप तक समय से पहुंच सके और आप देश दुनिया में अपने आसपास हो रही सामाजिक गतिविधियों को अपने ही मोबाइल फोन पर देख सकें।